अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद शहाबुद्दीन और इस वक्त मैं बुनेर में मौजूद हूँ। ये आसमानी मोड़ है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आसमानी मोड़ की आबशार है। इलम पहाड़ी से ये गिरने वाली आबशार है, इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। हम आपको इसकी सैर कराएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये मिंगवरा शहर से होते हुए आप कड़ाकड़ पहुँचेंगे और जब आप बुनेर में एंटर होंगे और कड़ाकड़ से थोड़ा सफ़र करके नीचे आएंगे तो आसमानी मोड़ आता है और आसमानी मोड़ पर ये आबशार आपको नज़र आएगी। इंतहाई ख़ूबसूरत आबशार है और ये आप देख रहे हैं कि ये इलम पहाड़ी से गिरती आबशार है। चारों तरफ यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, पहाड़ है, दरख्त है। इंतहाई ख़ूबसूरत मंज़र है। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इसकी सैर कराते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह हमने पहले ज़िक्र किया कि ये आसमानी मोड़ पर गिरती आबशार है और इंतहाई ख़ूबसूरत मंज़र है। पानी किस तरह गिरता है ये आप देख सकते हैं। ये एक स्ट्रिप है, ये दूसरा स्ट्रिप है, ये तीसरा स्ट्रिप है, ये चौथा स्ट्रिप है और फिर जो है ये पानी यहाँ से गुज़रता है। ये नदी है और ये बिल्कुल जोड़ की तरफ ये पानी फिर जाता है। ये पहाड़ है, इलम पहाड़ी की ये हदूद है और इलम की पहाड़ी से गिरती ये ख़ूबसूरत आबशार है। ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये होटल है और फिर यहाँ से ये सीढ़ियाँ नीचे आती हैं। इन सीढ़ियों के ज़रिए आप नीचे आएंगे, ये आप देख सकते हैं। इन बड़े बड़े पत्थरों में से होते हुए आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे और ये रास्ता है। इसी रास्ते से फिर आप आबशार की तरफ पहुँच जाते हैं। ये एक और ख़ूबसूरत मंज़र, यहाँ पर गाय चरती हैं, ये आप देख सकते हैं। और इससे इस गाय के बिल्कुल पीछे हमें नज़र आ रहा है कि पानी किस खूबसूरती से नीचे गिरता है। जी हम आपको दिखा रहे हैं आसमानी मोड़ पर खूबसूरत आबशार और ये रास्ता है। इस रास्ते से आप होते हुए इस आबशार तक पहुंच जाते हैं। पहाड़ी बारी पत्थर और ये खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत मंज़र। पानी यहाँ पे इस छोटे से तालाब में जमा होता है और फिर नीचे की तरफ जाता है, ये आप देख सकते हैं। आजकल पानी ज़रा कम है लेकिन ये जून और मई के महीने में ये पानी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, गुनगुनाती ये आबशार। ये बुनेर का इलाका है, आसमानी मोड़ और इलम की ये पहाड़ी है और इससे ये गिरती आबशार है। इंतहाई ख़ूबसूरत मंज़र, बिल्कुल करीब भी पड़ता है। अगर सयाह यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल मिनटों के हिसाब से यहाँ पे मिंगवरा से और ख़ासकर बरेकोट से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये है आबशार की गुनगुनाहट। खूबसूरत अंदाज से पानी गिरता है नीचे। और इस तालाब में जमा होकर फिर यहाँ से इस रास्ते से पानी नीचे की तरफ जाता है।
हमने आपको दिखाया कि आसमानी मोड़ पर जो गुनगुनाती आबशार है ये कितनी ख़ूबसूरत है, यहाँ के नज़ारे कितनी ख़ूबसूरत है और यहाँ पे मौसम भी काफ़ी दिलफरेब है, सुहाना है। तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, सैयाह यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। बरीकोट से होते हुए कड़ाकड़ और कड़ाकड़ से थोड़ा सा फासिला है, नीचे आके आसमानी मोड़ है और फिर ये ख़ूबसूरत नज़ारे और ये ख़ूबसूरत आबशार आपको देखने को मिलेगी।